हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सोनी सिंह के चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं रक्षाबंधन पे एक सिंपल सा मेकअप लेके आई हूँ। तो मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगा के रखा हुआ है। तो मैंने ये कंसीलर के पैलेट से मैंने ये ऑरेंज कलर का कंसीलर लिया हुआ है, क्योंकि मेरे स्किन पे थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं। तो देखिए, ये ऑरेंज कलर के कंसीलर लगाने से ये डार्क जो दाग पे जो थोड़े से छुप जाते हैं। तो मैंने ये फिटमी का फाउंडेशन लिया है। मैंने उंगली के से ऐसे डैब डैब करके लगाया है। ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट है, मैं ये फास्ट करके दिख रही है। तो मैंने इसको इस तरह से लगाया और फिर इसको मैं ब्रश के जरिए से इसको डैब डैब करके इसको पूरे फेस में अप्लाई करूँगी। जिस तरह से देखिए, मैं इस तरह से लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये पूरा ये बहुत ही हल्के हाथों से धीमे धीमे करना है। ये वीडियो क्लिप थोड़ी सी फास्ट मैंने किया तो इसमें फास्ट फास्ट दिख रही है, मगर इसमें धीमे धीमे हाथों से ही करना है। फिर मैंने ये सिस ब्यूटी का मैंने कंसीलर लिया है। कंसीलर मैंने थोड़ा सा लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। और ये मैंने रात में मेकअप किया था तो लाइट की वजह से थोड़ा सा लाइट ज़्यादा पड़ी थी, तो फेस ज़्यादा वाइट वाइट जैसा दिख रहा है, चमक रहा है। रात रात को मैंने ये मेकअप सूट किया हुआ है इसी मारे। और इसको भी मैंने ब्रश के जरिए से डैब डैब करके इस तरह से पूरे फेस में अप्लाई कर लिया। बहुत ही आराम से हल्के हाथों से करते हैं, मगर मैंने इसको वीडियो क्लिप थोड़ी सी फास्ट की है तो इसमें जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट दिख रहा है। आप जब मेकअप करिएगा तो इसको आराम से ब्रश से इस तरह से फेस में पूरा अप्लाई करिएगा। फिर मैं ये अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ पेंसिल के जरिए से। मैंने ये दोनों आईब्रो को फिल कर लिया। अब मैं फेस पाउडर लगा रही हूँ। फेस पाउडर लगाने से थोड़ा सा ये फाउंडेशन जो थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा जो दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा बैठ जाता है। और ये फाउंडेशन भी थोड़ा सा सेट होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लेता है, 15 मिनट तो टाइम लेता है ये सेट होने में। तो अब मैं लाइट पिंक कलर का मैं ब्लशर लगा रही हूँ। ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाऊंगी डार्क, थोड़ा सा लाइट पिंक ही लगाऊंगी। अगर लाइट पिंक डार्क हो भी जाता है तो थोड़ा सा आप फेस पाउडर लगा सकते हैं दोबारा। तो मैं ये फाइनली ये वाला ड्रेस पहनूंगी। तो इसमें 3 कलर है, एक लाइट पिंक है, रेड है और थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप है। तो मैं उसी कलर में मैं आई मेकअप करूँगी। तो मैंने सबसे लाइट पिंक कलर का मैंने आईज में पहले लगा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं उसमें से रेड कलर का लेके ड्रेस से फिर मैं साइड में कॉर्नर में रेड कलर लगाऊंगी। जी, मैं अब ने रेड कलर का लिया है। मैं आगे साइड पूरी आईज में नहीं लगाऊंगी, पीछे के साइड में थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर में रेड लगाऊंगी, क्योंकि पिंक मैंने पूरी आईज में लगाया था। तो मैं रेड को पीछे साइड में लगाऊंगी। देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने लगाया है। अब मैंने कंसीलर पैलेट से थोड़ा सा कंसीलर लेकर चपटे वाले ब्रश में लेकर हाफ क्रीज बना रही हूँ। उस हाफ क्रीज को देखिए, इस तरह से मैं पूरे में नहीं लगाऊंगी, हाफ क्रीज बनाऊंगी। आप देख सकते हैं, देखिए मैं इस तरह से हाफ क्रीज मैंने बनाया कंसीलर से। अब जो जिसमें मैंने हाफ क्रीज बनाया है मैंने, तो उसमें मैं ये स्काई ब्लू वाला जो कलर है मेरे सूट का कलर, तो मैं फिंगर से लगाऊंगी, ब्रश से नहीं, क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो मैंने फिंगर से ही लगाया है और मैंने हाफ क्रीज ही बनाया था, तो मैं हाफ में ही लगाऊंगी, पूरी आईज में नहीं लगाऊंगी। तो मैंने ये पूरे आईज में ना लगा के मैंने हाफ में ही लगाया, देखिए इस तरह से। अब मैं इस तरह से दूसरी आँख में भी लगा रहा हूँ। मैंने दोनों आँख में देखिए इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं लाइनर लगाऊंगी। लाइनर में ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊंगी, पतले ही लगाऊंगी। आईज मेकअप थोड़ा सा सुंदर लगे इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें सिल्वर कलर का जो लाइनर आता है ग्लिटर वाला, वो मैंने आईज में थोड़ा ऊपर लगाया है, देखिए जैसे आप देख सकते हैं। तो इससे मैंने थोड़ा आईज मेकअप अच्छा लगा। मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई और फिर लास्ट में मैंने हेयर स्टाइल किया। हेयर स्टाइल ज़्यादा कुछ हैवी नहीं किया, सिंपल ही किया है। मैंने आगे से फ्रेंच वाली छोटी की, आप देख सकते हैं। फिर मैंने ये वाला इयर रिंग पहना। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ये इयर रिंग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे मुझ पर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरा मेकअप आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। फिर मैंने ये लास्ट में ये इस तरह का ये बैंगल पहना, फिर मेरा फाइनली लुक इस तरह से आया था, देखिए। थैंक यू।